Hello dear students, welcome to my English video class. I'm sure you all are doing good. You all are happy, healthy and safe in your homes children. Do take very good care of yourselves. Stay happy and stay healthy. Children, as you all are aware that I have taken up grammar part. Abhi main jo videos bana rahi hu वो सारे वीडियोस ग्रामर पे बेस्ड हैं, बिकॉज ग्रामर इज समथिंग, ग्रामर इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड इट इज वेरी यूजफुल नॉट ओनली इन इंग्लिश. ग्रामर हम इंग्लिश में भी पढ़ते हैं, हम मैथ्स में भी उसका यूज करते हैं ग्रामर का. लाइक यू मस्ट हैव सीन इन मैथ्स वी आर डूइंग द चैप्टर प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स. In that chapter, we are talking about grammar part of English. We are talking about adjectives: tall, short, long, short, big, small. These are all adjectives. All these words are used to describe something. Big and small हम use करते हैं to describe the size of something. Long and short we use to tell about the length of something. Tall and short we use to tell about the height of something. So English grammar is used in other subjects as well. ऐसा नहीं है कि grammar की requirement सिर्फ English में ही है. जैसे हम English का grammar पढ़े तो हमें सिर्फ English में ही grammar की जरूरत है. No, it is required in other subjects also. It is required in your day-to-day conversation. ग्रामर क्या है? ग्रामर में हम सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करते हैं, ठीक है, सेंटेंसेस को हाउ डू वी एक्सप्रेस आवर सेल्फ. जब तक आपको प्रॉपर ग्रामर की नॉलेज नहीं होगी आप सेंटेंस करेक्ट नहीं लिख पाओगे. ओके, सो दैट इज व्हाई सबसे पहले मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच लिया एंड बाय नाउ यू ऑल मस्ट हैव रिमेम्बर्ड. अब तक तो सबको याद हो गया होगा कि देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच. ठीक है, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है. 8 पार्ट्स में क्या क्या है? Parts of speech. And once again, parts of speech are the words which are used in a sentence. Parts मतलब जो हम एक sentence को लिखने में या बोलने में जो words use करते हैं उसके अलग अलग जो words हैं, they are different parts. ठीक है, so parts of speech में what are the 8 parts? First is nouns. Then pronouns, then verbs, adjectives. Okay, noun, pronouns, verbs, adjectives, adverbs. Then prepositions. Conjunctions, and interjection. Okay, these are the 8 parts. ठीक है, आप किसी भी क्लास में चले जाओ the parts will remain the same. ठीक है, जो 8 parts of speech है they will remain the same, there will be no change. Yes, difficulty level उसका और बढ़ता जाएगा. डिफिकल्टी लेवल विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. ओके, पार्ट्स जो है वो सेम ही रहेंगे. सो दीज आर द डिफरेंट वर्ड्स दैट आर यूज इन अ सेंटेंस. नाउन्स आर नेमिंग वर्ड्स. ठीक है, तो सेंटेंस में जो नाउन्स होते हैं दे टेल अस द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट दैट इज जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. सपोज वी आर टॉकिंग अबाउट अ बॉय और वी आर टॉकिंग अबाउट सम एनिमल और वी आर टॉकिंग अबाउट एनी ट्री, एनी थिंग, एनी प्लेस, एनी सिटी. तो जो नाउन्स होते हैं दे आर द नेमिंग वर्ड्स. तो सेंटेंसेज में नाउन्स हमें क्या बताते हैं? दे टेल अस द सब्जेक्ट, मतलब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. जैसे अभी आप सब्जेक्ट कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? दिस इज योर सब्जेक्ट इंग्लिश. ठीक है, हम इंग्लिश के बारे में पढ़ रहे हैं. तो सब्जेक्ट का मतलब होता है कि जो
जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं, एनी पर्सन, एनी प्लेस और एनीथिंग. ओके, देन प्रोनाउंस. प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउंस टू अवॉइड रिपीटिशन. रिमेंबर चिल्ड्रेन, प्रोनाउंस को हम कहीं भी नहीं यूज कर देते हैं. ऐसा नहीं है कि हर जगह नेमिंग वर्ड के लिए हमने कोई प्रोनाउन यूज कर लिया. वेन द सेम नेमिंग वर्ड इज यूज मेनी नंबर ऑफ टाइम्स टू अवॉइड रिपीटिशन वी यूज प्रोनाउंस. ओके, अभी हम किसी चीज के बारे में, सपोज वी आर राइटिंग अबाउट राइटिंग अ पैराग्राफ ऑन ट्रीज. फर्स्ट सेंटेंस में हमने ट्री लिखा बिकॉज वी हैव टू टेल अदर्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ट्री. आफ्टर दैट वी कैन रिप्लेस ट्री विद प्रोनाउन, जो भी रिक्वायर्ड, जो भी सुटेबल प्रोनाउन. देन वर्ब्स. वर्ब्स आर द वर्ड्स विच टेल अस अबाउट एनी काइंड ऑफ एक्शन. जो भी एक्शन बताते हैं, जो भी हमें किसी काम के बारे में बताते हैं, दे आर वर्ब्स. दे आर ऑल्सो नोन एज एक्शन वर्ड्स और डूइंग वर्ड्स. देन एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स विच आर यूज टू डिस्क्राइब एनी नेमिंग वर्ड या किसी भी नेमिंग वर्ड के बारे में थोड़ी और एडिशनल इंफॉर्मेशन देने के लिए वी यूज एडजेक्टिव्स. लाइक इन मैथ्स वी आर टॉकिंग अबाउट एडजेक्टिव्स ओनली राइट नाउ. देन एडवर्ब्स. एडवर्ब्स जैसे मैंने बताया था, वी डू नॉट से एडवर्ब, वी से एडवर्ब्स. बट जस्ट टू रिमेम्बर, इसको याद रखने के लिए आप कैसे याद कर सकते हो, एडवर्ब, जो वर्ड्स वर्ब में कुछ और एड करते हैं, दे आर एडवर्ब्स. सो एडवर्ब्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ वर्ब, बट समटाइम्स दे डिस्क्राइब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब ऑल्सो. ओके, वेरी कॉमन एग्जाम्पल, राम रन्स वेरी फास्ट. यहाँ पे फास्ट तो एडवर्ब है, वेरी इज ऑल्सो एन एडवर्ब. ठीक है, देन प्रीपोजिशंस. प्रीपोजिशंस आर द वर्ड्स दैट टेल अस द प्लेस ऑफ समथिंग और एनी पर्सन और एनी एनिमल, किसी की भी प्लेस या टाइम. दे ऑल्सो टेल अस टाइम. ठीक है, कोई काम करते किस समय हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, दैट ऑल्सो प्रीपोजिशंस टेल अस. देन कंजंक्शंस. कंजंक्शंस आर द वर्ड्स दैट आर यूज टू जॉइन टू और मोर सेंटेंसेस, टू सेंटेंसेस और ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, एंड दे आर ऑल्सो यूज टू जॉइन टू वर्ड्स. ओके, दीज आर कंजंक्शंस. एंड देन लास्ट इज इंटरजेक्शन. इंटरजेक्शंस आर द वर्ड्स दैट आर यूज टू एक्सप्रेस सम सडन काइंड ऑफ फीलिंग और इमोशन. ठीक है, मतलब कोई प्री प्लान कोई चीज नहीं है, सडनली अचानक से जब हम किसी बात पे रिएक्ट करते हैं तो वो जो वर्ड्स होते हैं दे आर नोन एज इंटरजेक्शंस. से वाओ, हुरे, ओह, आउच, चोट लग गई, तो बोलते हैं ना आउच, ओ मम्मा चोट लग गई. तो ये क्या है, दीज आर सडन एक्सप्रेशंस, हम इसके लिए प्रिपेयर नहीं रहते. सो दे आर नोन एज इंटरजेक्शंस. इंटरजेक्शंस आर ऑलवेज फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क. And interjections are the words which are not very important grammatically. अगर grammatically हम देखें तो as such इनकी उतनी importance नहीं है. Why? Because even if we remove interjection, अगर हम sentence में से interjection को remove कर देंगे, then also the sentence will remain the same. Sentence में कोई change नहीं आएगा. Okay? So children, these are eight parts of speech. Today also I will continue with grammar. I have taken up the topic A and AN. Okay, where do we use A and where do we use AN? Okay. Now, as we all know that A and AN are articles. Okay. ए एंड एंड को क्या बोलते हैं, आर्टिकल्स बोलते हैं. ठीक है, आई विल नॉट से ए और एंड, आई विल से आर्टिकल्स. ठीक है, ए आर टी आई सी एल ई एस, आर्टिकल्स. ओके, वी हैव ऑलरेडी लर्न्ड अबाउट ए एंड एंड. We know that A and AN are articles. ठीक है, A and AN are also adjectives. You will be surprised to know कि A और AN जो है उनको हम adjective की तरह भी use करते हैं.
Now you can ask, you will ask why, how ma'am, ये हम कैसे यूज करते हैं. ठीक है. Now adjective, जब when we use any adjective, या तो हम किसी की quality को describe करते हैं. ठीक है, किसी की positive quality है, negative quality है, beautiful flower, ugly something, white duck, red rose. We use different qualities, sweet, pretty, ठीक है ना, dark, light, beautiful, lovely, intelligent, smart, tall, long. These are the qualities. Then adjectives tell us the colors also. If I say red frock, so red is an adjective because it tells us the color of the frock. Pink flower, pink is an adjective because here it tells us the color of the flower. ठीक है, तो these colors are नेमिंग वर्ड्स ऑल्सो एज वेल एज एडजेक्टिव्स. सिमिलरली नंबर्स, जो नंबर्स होते हैं दे आर नेमिंग वर्ड्स एज वेल एज एडजेक्टिव्स. जैसे नंबर्स हमने बोला फाइव टॉफीज. ओके, फाइव टॉफीज. सो हियर फाइव इज एन एडजेक्टिव. फाइव नंबर है, नंबर नेम है फाइव, एफ आई वी डी, फाइव इज अ नंबर नेम. बट वेन आई से फाइव टॉफीज, सो हियर फाइव मीन्स the number 5, it is telling us the number of the toffees, 5 toffees. Okay, so here 5 is a number. When we say a lion, a table, a board, a room, so iska kya matlab hai, what does it tell us? It tells us the number. When I say a lion, if I say a lion, यहाँ पे अ का क्या मतलब हुआ, अ मीन्स वन लाइन. इफ आई से अ टेबल, व्हाट डज अ मीन, इट मीन्स वन, वन टेबल. व्हेन आई से एन एप्पल, एन मीन्स वन. ओके, एन ऑक्स, ए और एन, they tell us the number also. So therefore they are adjectives also. ठीक है, because they tell us the numbers. So ऐसे तो a and n क्या है, they are articles. A is used with words which start with a consonant and n is used with words which start with a vowel. ठीक है, so we know a and n are article, but a and n are adjectives also because they are used to tell us the number. When we say a or an, when we use a or an, we mean only one. A and an, a या an हम जो भी use करते हैं, it means only one. Okay? So they are used as adjectives also because they describe, they tell us the number of the noun. यहाँ पे a हमें क्या बता रहा है, number of lion or number of table. Here an tells us the number of apple or number of ox. It means only one. ठीक है ना? So when we are using a or an, we are telling the number of the naming word, number of the noun. For example, if I say a mouse ran to get the cheese. A mouse ran to get the cheese. Here a tells us the number of mouse. ठीक है, यहाँ पे हमें a क्या बता रहा है, the number of mouse. So here a is an article and a is also an adjective. If we say कि a, यहाँ पे a is which part of speech, so a is an adjective because here a tells us the number of mouse. ठीक है, for example, elephant is eating bananas. So here an, what is an? An is an article, article hai, but it also tell us the number of elephant, that is only one.
ठीक है, यहाँ पे एंड जो है दैट इज एन आर्टिकल बट इट ऑल्सो टेल्स अस द नंबर ऑफ एलिफेंट, ओनली वन एलिफेंट. सो ए एंड एंड आर आर्टिकल बट इफ यू आस्क इस सेंटेंस में टेल द डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्पीच, कौन सा वर्ड विच पार्ट ऑफ स्पीच इट इज. तो एलिफेंट वॉट इज एलिफेंट, एलिफेंट इज naming word, elephant is a noun, eating is a verb, it is an action, banana is also a naming word that is noun, and a and this is an adjective. Okay, theek hai na. So here like this is an adjective, article hai a, mouse is a noun, rat is a verb, get is also a verb and cheese is a naming word. Okay, so okay, now come let us come back to the articles. So today we will learn about the articles a and the. A and and ke bare mein to humne padha hua hai, we all know, we have done the articles a and in our grammar book also, but today आज ए और एन के साथ में मैं द के बारे में भी बताऊंगी. देयर इज वन मोर आर्टिकल द, ठीक है. नाउ इफ यू विश यू कैन ओपन यूनिट 13 इन योर ग्रामर बुक दैट इज पेज नंबर 49. ओके, इन दिस यूनिट वी विल लर्न द यूज ऑफ आर्टिकल्स ए एंड एन. नाउ वी ऑल नो दैट बाय नाउ एंड आई एम श्योर यू ऑल्सो नो that the article a is used with words that start with a consonant sound. jo consonant sound ke sath use hote hain jo words unke sath hum kya use karte hain a, and the words which start with a vowel, jo vowel se words start hote hain unke sath hum kya use karte hain, we use and with them. Okay, so they are known as articles, and since a and an they mean only one, ठीक है. And apart from a and an, there is one more article which is known as the. The is known as indefinite article. A and an are known as indefinite because they tell us the number. तो number तो change भी हो सकता है. The is known as definite article. So a is used with nouns that start with a consonant, ये सबको मालूम है, and is used with nouns that start with a vowel, ठीक है. and जो है वो nouns के साथ use हम करते हैं जो vowel से start होते हैं, that is a, e, i, o, u, and a is used with nouns that start with a consonant. now the is used, and a and an are always used with nouns that are singular in number. That means that are when noun is only one in number. So that is why a and an are also used as adjective. अगर हम a और an को पूछेंगे कि ये कौन से part of speech है, तो they are adjectives because they tell us the number. Number one. When we use a and an, that means something is only one in number. कोई चीज जब सिर्फ one है. Okay? Now the third type of, जैसे अभी a के साथ हम क्या बोलते हैं, बॉक्स, ठीक है, अ ट्री, अ पपी, देन अ लोटस, एंड एन क्या बोलते हैं, एन ऑस्ट्रिच, एन इग्लू, an eagle, an apple, a e i o, an umbrella, ठीक है. so an is used with the nouns that start with a vowel sound, a e i o u, and with rest other consonants a is used. अपार्ट फ्रॉम ए एंड एन देयर इज वन मोर आर्टिकल दैट इज द, ठीक है. एक और आर्टिकल है जिसको
एक्सप्लेन करते हैं द, एंड द इज अ डेफिनेट आर्टिकल. व्हेन वी यूज द, इसका मतलब है कि हम किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग पर्टिकुलर, समथिंग स्पेसिफिक. वेरी कॉमन एग्जाम्पल, एक बहुत इजी सा एग्जाम्पल दे रही हूं. देर आर 40 चिल्ड्रन इन द क्लास. ठीक है, क्लास में इतने सारे बच्चे हैं. मैंने किसी को बुलाने के लिए बोला, आई सेड कॉल अ चाइल्ड, कॉल अ चाइल्ड फ्रॉम द क्लास. हियर आई एम सेइंग कॉल अ चाइल्ड. ठीक है, इसका मतलब है अ चाइल्ड मतलब किसी भी बच्चे को क्लास से बुला दो. ओके, तो अ मीन्स इट कैन बी एनी चाइल्ड. बट वेन आई से, इफ आई से कॉल द चाइल्ड, इफ आई से कॉल द चाइल्ड, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर चाइल्ड. ठीक है, कॉल द चाइल्ड मतलब मैं किसी खास बच्चे को ही बुलाना चाहती हूँ. वेन आई से कॉल अ चाइल्ड, तो कोई भी बच्चे को बुला दो, किसी को भी, किसी बच्चे को भी बुला दो. बट वेन आई से कॉल द चाइल्ड, तो मतलब मुझे किसी स्पेसिफिक, किसी खास बच्चे को ही बुलाना है. सो आर्टिकल द इज यूज विथ द नेमिंग वर्ड्स वेन वी टॉक ऑफ समथिंग पर्टिकुलर. जब हम किसी खास पर्सन के बारे में, किसी खास चीज के बारे में जब हम बात करते हैं, देन वी यूज दिस आर्टिकल द. अ मंकी इज सिटिंग ऑन द ट्री, दैट मीन्स मैं किसी, आई एम टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर ट्री ओनली. द मंकी इज सिटिंग ऑन द ट्री. इफ आई से अ मंकी इज सिटिंग ऑन अ ट्री, मतलब एक पेड़ पे एक मंकी बैठा हुआ है. द मंकी इज सिटिंग ऑन अ ट्री, मंकी जो है वो एक ट्री पे बैठा है. बट वेन आई से अ मंकी इज सिटिंग ऑन द ट्री, मतलब किसी खास, मैं किसी एक ट्री के बारे में बात किया है, उसी ट्री पे बैठा हुआ है. देयर इज अ जामुन ट्री, अ मंकी इज सिटिंग ऑन द ट्री. यहाँ पे मैं जामुन ट्री की बात कर रही हूँ, मतलब यहाँ पे जो मंकी है वो जामुन ट्री पर ही बैठा है. ओके, सो द आर्टिकल द इज यूज फॉर समथिंग विच इज वेन वी टॉक ऑफ समथिंग स्पेसिफिक, किसी खास चीज के बारे में बात करते हैं. और कहाँ पे द यूज होता है? द इज ऑल्सो यूज वेन समथिंग इज ओनली वन इन नंबर, मतलब कोई चीज बस एक ही है, उसके अलावा और दुनिया, मतलब पूरे वर्ल्ड में और कोई दूसरी जगह नहीं है. ठीक है, लाइक एनी रिवर, एनी माउंटेन, लाइक वी से द माउंट एवरेस्ट, सो देयर इज ओनली वन माउंट एवरेस्ट, बहुत सारे नहीं है, ओनली वन माउंट एवरेस्ट इज देयर. लाइक वी से द सन, द मून, द स्टार्स, द स्काई, ओनली वन सन इज देयर, ओनली वन मून इज देयर, ओनली वन स्काई इज देयर. We see the stars. Of course, there are lots of stars, but we say the stars. The sun, the moon, the stars. ठीक है? So जब हम किसी कोई चीज जब अपने में सिर्फ एक होती है, but then again, ऐसा नहीं है कि सबके साथ हम कोई चीज अपने में सिर्फ एक है तो हम सबके साथ the add कर दें. No. अभी जैसे वाराणसी है, कोई name of any city, कोई city है, उसके साथ वी डू नॉट यूज द, वी डू नॉट से द आई लिव इन द वाराणसी, आई लिव इन वाराणसी. वी डू नॉट से आई एम गोइंग टू द दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली. तो विथ नेम ऑफ सिटीज, विथ एनी नेम ऑफ एनी पर्सन ऑल्सो वी डू नॉट एड द. माई नेम इज रंजना, आई डू नॉट से माई नेम इज द रंजना, माई नेम इज रंजना. सो विथ नेम ऑफ एनी पर्सन, नेम ऑफ एनी सिटी, name of any country, we do not say I live in the Bharat, I live in the India, I live in India, the India is my country, we do not say, we say India is my country. Okay, so the is used with the nouns, with the naming words that are only one in number, but then again इसे English को कहते हैं there are always exceptions. तो अभी हर एक, सारी कंट्रीज भी सिर्फ एक ही है, सारी सिटीज भी एक ही है, अपने नाम के साथ भी हम द नहीं लगाते. ऑफकोर्स जैसे मैं हूं तो मैं तो अकेले ही हूं ना, मेरे नाम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बट आई एम ओनली वन, बट उसके साथ भी हम द नहीं ऐड करते. जैसे कोई माउंटेन पीक्स के जो नाम होते हैं, द माउंट एवरेस्ट, द
केतु, द नंदा देवी, या जो रिवर्स होती हैं, द गैंजेस, द गंगा, तो जो रिवर्स हैं द नाइल रिवर, द अमेजॉन रिवर, या जो होली बुक्स होती हैं द कुरान, द बाइबल, द रामचरितमानस, द गीता, तो इनके साथ हम द ऐड करते हैं. ओके, एंड वी यूज द विद समथिंग स्पेसिफिक. जब हम किसी खास चीज के बारे में बात करते हैं देन ऑल्सो वी यूज द. सो दीज आर द थ्री आर्टिकल्स ए एंड एंड द. ए एंड एंड आर इनडेफिनिट आर्टिकल्स बिकॉज दे टेल अस द नंबर. वो हमें क्या बताते हैं, किसी चीज का नंबर बताते हैं. एंड द इज अ डेफिनेट आर्टिकल, क्योंकि जब हम किसी डेफिनेट किसी खास चीज की बात करते हैं तो वी से द, देन वी यूज द. ओके, और नेम किसी, जब हम एनी रिवर, एनी माउंटेन पीक, जो होली बुक्स होती हैं उनके जब हम नाम लेते हैं देन ऑल्सो वी से द. ठीक है, अभी जैसे हम किसी चीज के, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग एनी ट्री, तो फर्स्ट टाइम तो जब मैंने ट्री लिखा उसके बाद आगे जब मैं द बोलती हूँ तो दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दैट पर्टिकुलर ट्री ओनली. ठीक है, मैं ऐसे किसी ट्री के बारे में नहीं बात कर रही हूँ. अगर मैं बोलती हूँ द ट्री तो दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर ट्री. ओके, इसे लाइक स्कूल का नाम है द आर्मी पब्लिक स्कूल. द नेम ऑफ आवर स्कूल इज आर्मी पब्लिक स्कूल. सो वॉट डू यू से, द आर्मी पब्लिक स्कूल. ठीक है, लाइक इफ आई रीड अ स्टोरी, अ लायन वॉज स्लीपिंग इन द जंगल, अ माउस केम एंड स्टार्टेड प्लेइंग विद हिज मेन, द लायन गॉट एंग्री. यहां पे जब मैंने बोला द लायन, फर्स्ट टाइम आई सेड अ लायन वॉज स्लीपिंग इन अ जंगल, अ माउस केम एंड स्टार्टेड प्लेइंग विद हिज मेन. यहां पे मैंने लायन के साथ भी अ यूज किया एंड आई यूज अ विद द माउस ऑल्सो. माउस के साथ भी मैंने अ यूज किया. इट मीन्स वन, वन लायन वॉज स्लीपिंग इन द जंगल, वन माउस केम एंड स्टार्टेड प्लेइंग विद हिज मेन. बट इन द नेक्स्ट सेंटेंस आई से द लायन गॉट एंग्री. सो हियर व्हेन आई से द लायन गॉट, दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट दैट स्पेसिफिक लायन ओनली. मैं उस खास लायन की ही बात कर रही हूँ. ठीक है, जो लायन सो रहा था मैं उसी लायन की बात कर रही हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर लायन. यहाँ पे मैंने क्या बोला, द लायन गॉट एंग्री, ही वॉन्टेड टू किल द माउस, ही वॉन्टेड टू किल द माउस. ठीक है, द माउस अगेन, हियर द माउस मीन्स द माउस हु केम एंड स्टार्टेड प्लेइंग विद द लायंस मेन. ओके, सो लेट मी राइट दी सेंटेंसेस फिर और अच्छे से समझाती हूँ. अ लायन वॉज स्लीपिंग in a jungle. Okay, a mouse came and started playing with his mane. The lion got angry, he wanted to kill the mouse. Now in the first sentence I have said a lion and a mouse. That means एक lion और एक mouse. In the next sentence I say the lion. Okay, the lion. That means I am talking about this particular lion only. मैं किसी और lion की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इसी lion की बात कर रही हूँ. The lion got angry. He wanted to kill the mouse. यहाँ पे जो mouse है, it means that we are talking about this mouse only. He wanted to kill the mouse. मतलब वो ये जो माउस आके उसकी मेन से खेलने लगा था उसको वो मारना चाहता था. सो द इज नोन एज डेफिनेट आर्टिकल एंड इट इज यूज्ड व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग स्पेसिफिक.
A and an are indefinite articles. A is used with words which start with a consonant sound, and an is used with nouns that start with a vowel, that is A, E, I, O, U. Okay children, so in your book only A and an are there, but the is also an article and it is very important. इसीलिए मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में, बहुत शॉर्ट में द के बारे में भी बताया, सो दैट यू नो दैट देयर आर थ्री आर्टिकल्स, ए एंड एंड द. ओके चिल्ड्रन, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल. सो दैट इज ऑल फॉर द डे. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. गुड बाय एंड हैव अ गुड डे चिल्ड्रन.